तो हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत। तो ये वाली वीडियो में जो मैं बनाने वाला हूँ ना, ये है गारा। गारा को तो यार, अगर आपने नरूटो देखा हो ना भाई, देखो वैसा ये विलन था, है ना, विलन का काम किया इसने, मगर भाई मैं तो फैन था इसकी पावर का। इतनी खतरनाक पावर थी इसके पास भाई, सबकी वाट लगा रखी थी इसने। मगर भाई नरूटो तो नरूटो है ना, नरूटो तो वाट लगा ही देगा, तो इसलिए मैंने जो है इसको बनाया। तो गाइस देखो, मैंने वही काम करता हूँ, हमेशा सर्कल के थ्रू चलता हूँ, सर्कल में पूरा फेस बनाता हूँ, आई लाइन है ना, मिडल लाइन, ये सब करते हुए फिर मैं स्टिक फिगर बनाता हूँ। जैसे मैंने स्टिक बनाया कि वो किस पोज में बैठा हुआ है, उस पोज के हिसाब से जो है फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, मैंने अभी यहाँ पे उसी उसके स्टिक के हिसाब से पूरा हाथ बना दिया कि भाई इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से होल्ड है ना, ये मैंने हाथ बना दिया। अब मैंने पहले क्या किया, मैं हाथ बना रहा था ना तो दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए पहले सबसे पहले मैंने इसका पाम बनाया थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि ये बॉडी के आगे है। उसके बाद जाके मैंने इसकी कोहनी और हाथ बनाया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर तुम ऐसे बना रहे हो ना जो पास हो रही है और बड़ी लग रही है, तो पहले उसको बनाओ, देन पीछे वाली चीज़ को बनाओ, तो इससे आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी और लगेगी पर्सपेक्टिव में, हाँ, कि फोर शॉर्टन हो रही है बॉडी और जो हैंड है वो आगे आ रहा है। तो अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ये मेरे शेडिंग करने का नया तरीका मैंने किया है, हैचिंग के हिसाब से, है ना, काफ़ी इफेक्टिव और जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं इसके हेयर को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आप करना। छोटी छोटी जो टिप्स मैं देता रहता हूँ इससे, क्योंकि देखो मैं भी इसी सब से सीखता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आपकी कोई भी पार्ट हो बॉडी का, हाथ हो, पैर हो, और वो बड़ा दिखाई दे रहा हो, तो आपको क्या करना है, उसको पहले बनाना है, देन उसके पीछे के पार्ट को बनाना। तो ऑलमोस्ट ये कम्प्लीट हो चुका है, आज मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है, मैंने फास्ट कर दिए काफ़ी, ताकि आपको जल्द से जल्द ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ऐसे गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।